नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपी न्यूज और स्वागत है आपका हमारी ताजा अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। आईपीएल सीजन 13 के 9वें मुकाबले में आज राजस्थान रॉयल्स की टीम और किंग्स इलेवन पंजाब की टीम आमने सामने होंगी। दोनों ही टीमें जबरदस्त प्रदर्शन करके आ रही हैं। राजस्थान की टीम जहां पर चेन्नई को हरा कर आ रही है, वहीं किंग्स इलेवन पंजाब की टीम बेहतर प्रदर्शन करके आई है। आरसीबी के खिलाफ केएल राहुल को हैट्स ऑफ है, जबरदस्त फॉर्म में वो है और अपनी फॉर्म को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज के मुकाबले में, जो शारजा में मुकाबला होगा, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि स्टेडियम बहुत छोटा है और बिल्कुल बैटिंग विकेट है। इससे पहले जो मुकाबला हुआ था राजस्थान और चेन्नई के बीच, वहां राजस्थान ने वो मुकाबला जीता था। 217 रनों का लक्ष्य दिया था सीएसके की टीम को। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी हुई थी संजू सैमसन, स्टीव स्मिथ और बाकी बल्लेबाजों द्वारा। उस लिहाज से देखा जाए, राजस्थान रॉयल्स और किंग्स इलेवन पंजाब दोनों लय पा चुके हैं। और एक अच्छी खबर राजस्थान रॉयल्स के लिए यह है कि जॉस बटलर टीम में लौट आए हैं, बायो बबल के अंदर आ गए हैं, तो इनकी फायर पावर और मजबूत हो गई है। आज की प्लेइंग 11 क्या होगी, किस तरीके से प्लेइंग 11 को खिलाया जाएगा, इस पर बात करना बड़ा जरूरी है। दरअसल अगर आज की टीम को देखें तो जॉस बटलर और यहां पर यशस्वी जायसवाल ओपन करते हुए नजर आ सकते हैं। नंबर 3 पर संजू सैमसन को खिसकना पड़ेगा। यशस्वी जायसवाल बतौर ओपनर बेहतर खिलाड़ी है और संजू सैमसन भी है, नो डाउट। पिछले मैच में अच्छी पारी खेली है, लेकिन संजू सैमसन नंबर 3 पे भी, उनको खेलने का एक्सपीरियंस है, तो शायद इस वजह से नंबर 3 वो खेलेंगे। नंबर 4 की बात करें तो स्टीव स्मिथ, नंबर 5 की बात करें तो रॉबिन उथप्पा, नंबर 6 की अगर बात करें तो नंबर 6 पर आखिरकार इस टीम से कौन खेलता हुआ नजर आ सकता है, इस पर भी बात करनी जरूरी है। नंबर 6 पर ऐसा लग रहा है कि रियान पराग खेलते हुए नजर आ सकते हैं। नंबर 7 की बात की जाए तो नंबर 7 पर यहां पर श्रेयस गोपाल को बतौर ऑलराउंडर खिलाया जा सकता है। अच्छे खिलाड़ी हैं और साउथ के खिलाड़ी हैं, बेहतरीन प्रदर्शन में इनका रहा है, तो नंबर 7 श्रेयस गोपाल। नंबर 8 की बात की जाए तो नंबर 8 पर जोफ्रा आर्चर, ये हिटर भी हैं, इन्होंने चेन्नई के खिलाफ भी अच्छी पारी खेली थी। नंबर 9 की बात की जाए तो मयंक मारकंडे को आज मौका मिल सकता है। राहुल तेवतिया तो है ही, लेकिन यहाँ पर मयंक मारकंडे को मौका मिल सकता है। उसके बाद राहुल तेवतिया और फिर जहां पर जयदेव उनादकट इस टीम में खेलते हुए नजर आ सकते हैं, यानी कि जॉस बटलर, जोफ्रा आर्चर, इसके बाद स्टीव स्मिथ, और हो सकता है अगर ये खिलाना चाहें तो फिर ये टॉम करन को खिला सकते हैं, लेकिन टॉम करन की जो पिटाई हुई है पिछले मुकाबले में, लग नहीं रहा है कि टॉम करन आज खेलते हुए नजर आ सकते हैं। तो ये राजस्थान की प्लेइंग 11 हुई। अब बात करते हैं किंग्स 11 पंजाब की प्लेइंग 11 की। इनको वो कॉम्बिनेशन मिला है, इनका बोलिंग अटैक अच्छा है, तो आज ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ खास देखने को नहीं मिलेगा। टीम लगभग सेम नजर आ रही है इनकी भी, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि करुण नायर पर थोड़ा सा एक दाव और खेलेगी ये टीम। तो केएल राहुल और मयंक अग्रवाल ओपन करते नजर आ सकते हैं। नंबर 3 की अगर बात की जाए तो नंबर 3 पर यहाँ पर करुण नायर, नंबर 4 पर मैक्सी विलियन मैक्सवेल, नंबर 5 पर सरफराज खान, नंबर 6 की बात की जाए तो नंबर 6 पर कृष्णप्पा गौतम खेलते हुए नजर आ सकते हैं, नंबर 7 पर निकलस पूरन, ये सफल भी हो सकता है, निकलस पूरन को ये ऊपर भी देख सकते हैं, नंबर 8 की बात की जाए तो मोहम्मद शमी, नंबर 9 की बात की जाए तो मुर्गन अश्विन, नंबर 10 पर रवि बिश्नोई और नंबर 11 पर शेल्डन कॉटरेल आपके लिए सबसे बेहतरीन विकल्प हैं। तो कहीं ना कहीं ये प्लेइंग 11 के साथ आज किंग्स 11 पंजाब की टीम उतर सकती है आज आईपीएल के 9वें मुकाबले में और किंग्स 11 पंजाब के इंडिविजुअली 3रे मुकाबले में। उस लिहाज से देखा जाए तो ये दोनों टीमों की प्लेइंग 11 रही। अब देखना होगा कि आज शाम को जो 7:30 बजे से मैच स्टार्ट होगा, यहाँ पर बाजी आखिर मारता कौन है। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही, हमें दे दीजिए इजाजत, और हाँ, हमारे चैनल एएनपी न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।